प्रदेश व्यापी पौधारोपण अभियान में उमरिया जिले ने भी सहभागिता निभाते हुए जिले भर में अनेक स्थानों पर शासकीय अशासकीय संस्थाओं ने पौधे रोपित किए। जिले में 2,13,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से 1,25,000 पौधे अब तक लगाए जा चुके हैं। पौधारोपण को लेकर तमाम सरकारी विभागों में उत्साह नजर आया। करकेली शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय में शहडोल लोकसभा सांसद ज्ञान सिंह जी के मुख्य आतिथ्य में पौधारोपण अभियान का आगाज किया। सांसद ज्ञान सिंह जी ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, पेड़ हमें जीवन देते हैं और पर्यावरण का संतुलन बनाने में मदद करते हैं। व्यवस्था पूरी व्यवस्था सरपंचों को दी गई है, बांस की या तो नेगुड़ी की बाउंड्री वाल ढोला बनाएंगे, ये तो आपका उसका हाँ दो तीन प्रजातियों का है, उनको राशि मुहैया कराई गई है। अधिकांश जगह तो बाउंड्री वाल भी है, जो कि किनारे में जैसी व्यवस्था की हमें जो जानकारी मिली है, ढोला बनाकर भी रखेंगे और पानी भी डालेंगे। समूचे प्रदेश में 6,000 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विभिन्न पहल से यह अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर कार्यपालन अधिकारी आके मंडावी, जनपद पंचायत करकेली उपाध्यक्ष केशव प्रसाद पांडे, करकेली उप सरपंच भैया बहादुर सिंह, सरपंच अवध किशोर, करकेली तहसीलदार वीर सिंह, करकेली शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्राचार्य एसपी पटेल, सुमन सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में विद्यालय परिसर में फलदार पौधों के साथ औषधीय गुणों वाले पौधों को रोपा गया, जिसका शुभारंभ सांसद ने पौधारोपण कर किया। करकेली जनपद पंचायत के सहायक यंत्री शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अभी तक 107 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 275 गांव में 486 परियोजना में 1,76,000 पौधे लगाए जाना है। 90,000 पौधे लगाने के लिए गड्ढे किए जा चुके हैं, जिसमें अब तक 62,000 पौधे रोपित किए जा चुके हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में अनीता यादव, सचिव आशीष अग्रवाल सहित सैकड़ों की संख्या में उपस्थित लोगों ने अपनी भागीदारी दर्ज की।